जितने भी भाई लोग लॉन्च क्रेक वर्जन या ओरिजिनल चलाते हैं उनको देखो, महिंद्रा गाड़ी का लॉक खोलना हो या की प्रोग्रामिंग करनी हो महिंद्रा में, या इमोबिलाईजर चेंज कर रहे हैं लोग, तो देखो हम फंक्शन बता रहे हैं मेरे भाई। देखो महिंद्रा इंडियन में हम सबसे पहले जाएंगे, यहाँ वर्जन दिखाएगा, यहाँ पे हम ओके करेंगे, ठीक ओके करेंगे। ये लॉन्च के ओरिजिनल में भी आ रखा है, पूरा सब कुछ दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम जाएंगे इमोबिलाईजर के अंदर, यहाँ पे देखो इमो की रजिस्ट्रेशन में हम जाएंगे, यहाँ इमोबिलाईजर की वायरिंग सब कुछ ओके है, तो ये अंदर आप चले जाएंगे, ऐसे जाएंगे, स्पेशल फंक्शन आएगा, इसके बाद ओके करेंगे हम लोग। अभी डीटीसी जो आ रहा है, डीटीसी से क्या होता है कि आप जो है गाड़ी का लॉक है तो लॉक खोलिए, उसके कोड क्लियर करना होता है आपको। देखिए कोड क्लियर सक्सेस लिख दिया, ये कोड क्लियर करिए। गाड़ी अगर सिर्फ लॉक है, लॉक होने का रीजन जरूर देखिए, रॉन्ग ट्रांसपॉन्डर लिख के आता है आपका, इमोबिलाईजर ये रॉन्ग ट्रांसपॉन्डर या कुछ ऐसे लिख के आता है, तो फिर ये लॉक खुलेगा नहीं। ये डीटीसी क्लियर करके बैटरी की वायर 5 मिनट के लिए निकाल दीजिए, फिर लगा के फिर से हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अगर रॉन्ग ट्रांसपॉन्डर आपका फॉल्ट आता है, या आप चाबी की कोडिंग, नई चाबी की लॉक सेट की कोडिंग करना चाहते हैं, तो हम की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो की प्रोग्रामिंग में क्या है, 1 ओल्ड की, मतलब अगर लॉन्ग ट्रांसपॉन्डर वही चाबी है उसकी, तभी 1 ओल्ड करिए, या नया चाबी बना रहे तब भी 1 ओल्ड की ही करेंगे हम लोग। अगर एक चाबी नया बना रखे, 1 ओल्ड न्यू, 2 न्यू का मतलब लॉक सेट में 2 नया चाबी कर रहे हैं, तो कभी भी लॉक सेट आप लेके आते हैं तो इमोबिलाईजर पुराना रखिए, लॉक सेट में आपको चाबी के साथ नया रखिए, लेकिन पुरानी इमोबिलाईजर गाड़ी का।